आगामी विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा प्रदेश भर में गुंडे, बदमाश, वारंटियों की धरपकड़ और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान में अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। मनासा पुलिस को उक्त अभियान में कल शुक्रवार को एक अपराधी को पकड़ने में सफलता मिली है। थाना प्रभारी मनासा केएल डांगी के नेतृत्व में उनकी टीम श्री श्रवण सिंह द्वारा थाना मनासा का बदमाश सूरज उर्फ सन्ना पिता रमेश रावत उम्र 26 वर्ष निवासी पटेल कॉलोनी मनासा, जिसको उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए कलेक्टर नीमच द्वारा विगत 10 जुलाई 2020 को 3 माह के लिए 10 अक्टूबर 2020 तक के लिए 3 माह के लिए जिला बदल कर दिया गया था। उक्त बदमाश को चाकू सहित कारगिल चौराहा मनासा से गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अग्रिमी वैधानिक कार्यवाही मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 188 25 आम एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान नरेंद्र नागदा, आर पंकज तिवारी का रहा। मनासा के बदमाश सन्ना और सूरज पटेल रावत, जो मनासा का रहने वाला है, इसको आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए 3 माह के लिए जिला बदर किया गया था। आज इसकी सूचना मिली कि ये कारगिल चौराहे पर आया हुआ है। वहाँ पर हमारी टीम द्वारा जाकर इसको पकड़ा गया। तलाशी में इसके पास से एक चाकू मिला, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है और उस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सबसे राज्य सुरक्षा अधिनियम और आर्म्स एक्ट तथा भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई की गई। KNN न्यूज के लिए मनासा से मनीष जोलानिया की रिपोर्ट।